ठीक है। व्यतिकरण होने के लिए क्या होना चाहिए कि प्रकाशित स्रोत होना चाहिए और समान आवृत्ति के होने चाहिए, प्रकाश की तरंगें और एक ही स्रोत से निकल रही होती है, ठीक है। तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम या कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होगी, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम बोलते हैं डार्क, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, ब्राइट बोलते हैं, ब्राइट, और जिस पर न्यूनतम होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डार्क बोलते हैं। बात करेंगे इसमें दिया गया है आपको, तो ये समझ में आ गई बात। अगला हमको पढ़ना है यंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। यंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है समझिएगा, देखिएगा, यंग एक्सपेरिमेंट यंग ने का किया था 1801 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया कि एक प्रकाशित स्रोत लिया, ठीक है, कैसा, एक वर्णीय प्रकाशित स्रोत लिया इन्होंने और देखा कि जब एक वर्णीय प्रकाशित स्रोत है एक पर्दे के सामने रखा गया, एक मान लो ऐसे पर्दा है, सपोज एक पर्दा है कोई भी, और यहाँ पर मान लिया एक होल कर दिया, इसने एक होल कर दिया प्रकाशित स्रोत मान लिया इन्होंने एस, और ये सुहाना यहाँ से देखा कि एक और पर्दा रखा इसी के सामने जस्ट, ठीक है, और एक पर्दा रखा इसमें दो होल किया इसने, ठीक है, दो होल किया इसे मान लिया एस वन और इसे किया एस टू, और जब प्रकाश यहाँ से डाला गया, यहाँ से एक वाणी प्रकाश डाला गया और डालने के बाद इस पर्दे से टकराया, तो ये जो पर्दा आपका था इसे मान लो यंग, इसे मान लो आप यंग, दूसरे वाले पर्दे से टकराया प्रकाश जो है, दूसरे वाले पर्दे से टकराया, तो दूसरा वाला पर्दा अब एक नए प्रकाशित स्रोत का काम करने लगा। समझ में आई बात की नहीं, जैसे मैंने बताया था आपको तालाब में देखो आप एक छोटा सा पत्थर उठा के फेंक हुआ, अब जैसे फेंकेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीछे वाली जो होगी जैसे ऐसे बनेगी वैसे बनती है, धीरे धीरे क्या होगी ये मिटती जाएंगे और नया वाला जो है एक नया प्रकाशित स्रोत यानी कि एक वेब बनता चला जाएगा, यानी कि एक के बाद दूसरा वाला एक नए प्रकाशित स्रोत का काम करना स्टार्ट कर देगा। मान लो इसी तरह से एक तीसरा पर्दा इसे रख दे, तो ये मान लो एस वन है और ये क्या हो जाए एस वन था मान लिया जाए, ये हो जाए एस थ्री और ये मान लिया जाए एस फोर हो जाता है और ये मान लो एस फाइव है, ठीक है, तो ये क्या करेगा इस वाले को छोड़कर छोड़ने के बाद भी ये नया वाला जो आएगा पर्दा एक नए प्रकाशित स्रोत का काम करने लगेगा। तो उसी तरह ने बताया कि मान लिया जाए इस तरह से रखा तो एक तीसरा पर्दा इन्होंने रखा कहां पर, ये यहां पर तीसरा पर्दा रखा, ठीक है, इसे मान लिया यन मान लिया, और यहां से जैसे प्रकाश निकलना शुरू हुआ मान लिया प्रकाश निकल रहा था ऐसे, ये प्रकाश आपके निकल गए यहां से आए टकराए, टकराने के बाद क्या हुआ कि कुछ बिंदुओं पर ऐसे इस टाइप से फिगर बना रहा हूं मैं, देखिएगा ऐसे मान लो कुछ बिंदुओं पर ये जो बोल रही है ये डार्क हो रही थी ऐसे, ठीक है, कुछ बिंदुओं पर ऐसे डार्क और कुछ बिंदुओं पर ऐसे वाइट हो गई थी आपकी मान लिया जैसे इस टाइप से, मान लो ये डार्क है आपका इस टाइप से, ठीक है, तो ये जो हो रही थी ना ये जो हो रही थी बन रही थी आपकी जो डार्क वाली थी इसे फ्रिंजेस बोलेंगे, ठीक है, फ्रिंज बोला गया कि ये एक प्रकार का देख रहे हैं आप लोग कि कुछ बिंदुओं पर क्या होगा तीव्रता है मैक्सिमम होगी अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता क्या होगी न्यूनतम, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता जो होगी न्यूनतम होगी उसे क्या बोलते हैं हम लोग डार्क बोलते हैं, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी उसे क्या बोलते हैं हम लोग ब्राइट। जैसे मैंने कहा कई बार आप देखे होंगे एक्सपेरिमेंट किए होंगे जैसे जंगले में आप देखे हैं जंगले से जो निकलता है आप देखिए रोशनी आती है आपकी आने के बाद देखेंगे कि जहां पर इस तरह से मान लो जंगला बना हुआ है ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, अगर प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा तो यहाँ पर जितना लेंथ होगा इसका उसके पैरेलल जितना होगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पर डार्क दिखाई देगा और इसके अंदर जो आएगा वो कैसा होगा ब्राइट होगा कि नहीं होगा आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट से देख लीजिएगा इस तरह से बनता है। तो इन्होंने 1801 ईस्वी में यही बताया था कि जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत किसी पर्दे पर डाला जाता है द्विछिद्र वाले यानी दो छिद्र वाले पर्दे पर डाला जाता है तो वो नया पर्दा जो आने वाला होता है वो एक नए प्रकाशित स्रोत का काम करता है और नए पर्दे से टकरा कर प्रकाश क्या होती है टकराती जब है तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता उसकी न्यूनतम होती है और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग डार्क फ्रिंजेस या क्या बोलते हैं अधिक फ्रिंज बोलते हैं और जिन बिंदुओं पर उसकी तीव्रता अधिकतम होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं जिसे बोलते हैं डीप फ्रिंज जिसे ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस आपको पहले बताया जा चुका है ठीक है। तो ये होता है इनका एंड एक्सपेरिमेंट था।
इसी के बारे में यंग ने और एक्सपेरिमेंट किया था कि फ्रिंज की चौड़ाई नाप कर, याद रखिएगा इस बात को, ये जो बार बार ये पैटर्न प्राप्त हो रहा ना, आप देख रहे हैं इस टाइप से पैटर्न बन रहा, इसे बोलते हैं हम लोग व्यतिकरण प्रारूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण प्रारूप। जो काली और नीली वाली, जो काली और व्हाइट वाली दे रही है, ठीक है, चमकीली वाली, तो दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यतिकरण प्रारूप बोलते हैं, ठीक है, जैसे पैटर्न बोलते हैं। अब पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है, एक डार्क का बन रहा है, एक का ब्राइट का बन रहा है, एक डार्क का एक ब्राइट का, इसी के बारे में हम किया। अगली जो है आपकी हेडिंग वो इम्पोर्टेंट है, अगला हेडिंग डालिए आप लोग, ये नहीं इम्पोर्टेंट था, ये तो केवल आपको बताया जा सकता। और ये कहां से निकला था? हाइगेंस प्रिंसिपल से ही आया, हाइगेंस के द्वारा, हाइगेंस पढ़ाया गया था ना आपको, हाइगेंस से ही निकलेगा। अगला हेडिंग डालिए आप लोग फटाफट, तो आगे बताएं। फ्रिंज चौड़ाई नाप कर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, फ्रिंज चौड़ाई नाप कर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, ड्रॉप
बना। अगर ये वाला एंगल मान लो कि तो आपका दिया गया है इतना एंगल, मान लिया जाए आपका थीटा ले लिया गया है, ये वाला ये आपका थीटा है, जाहिर सी बात है ये थीटा है तो इस पर परपेंडिकुलर, आपको बताया गया है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है उस पर आप नॉर्मल डालते हो, तो नॉर्मल जो होता है उसको क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है आपका कि वो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, लेकिन उसके एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, कोई भी नॉर्मल डाला जाएगा एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का बनेगा इतना, और ये भी कितने का होगा, ये भी 90 डिग्री का, और तो ये वाला क्या होगा बताइए, इतना एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, अरे अपोजिट एंगल से आपने देखा है ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब जब थीटा हो जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें मुझे ट्रायंगल मिल गया, एक ट्रायंगल कौन सा मिला, एस वन एस टू, और ये मान लो कोई पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट दे दिया आपका ए, एक एस वन एस टू और ए, और कौन सा, ये ओ पी क्यू, देखेंगे दोनों समरूप हैं कि नहीं बताइए, हमने कहा समरूप होने के लिए क्या कंडीशन होते हैं, शेप देखने में समान लगे, देखने में समान लगे, भुजाएं चाहे उसकी कुछ भी हो, तो एक एंगल इसका देखो कितने का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी इसका एंगल कितना 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितने का है थीटा का, और ये भी कितना है थीटा का, यानी एंगल इसके क्या है सेम है, जाहिर सी बात है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि इसको मैं लिख सकता था कैसे कि S1 S2 और कौन सा A व कौन सा आपका दे दिया गया PQO, कैसा है समरूप है कि नहीं, वो त्रिभुज की समरूपता सिद्धांत के अनुसार त्रिभुज समरूप है आपका, अगर तो इसमें आप जानते हैं समरूप होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि आप क्या होते हैं जब समरूप होगा तो उनका रेशियो जो होगा क्या होगा मेंटेन होगा इक्वल होगा, रेशियो जो होगा वो कैसा होगा इक्वल होगा, अगर रेशियो हम लोग निकाल रहे होंगे तो बताइए कैसे इसमें रेशियो निकाला जाएगा, रेशियो के लिए देखेंगे आप देखेंगे एस टू ए, एस टू ए हमने का मतलब क्या, एस टू ए अपॉन आपका दे देता है एस वन एस टू, एस टू ए अपॉन एस वन एस टू, क्योंकि ये क्या है ये आपका क्या है इसके लिए इस सर्कल के लिए एस वन एस टू ए के लिए ये क्या है परपेंडिकुलर है कि नहीं है, और ये वाला क्या है आपका दिया गया बोलो एस वन एस टू क्या है आपका बेस है, बेस है कि नहीं, अरे ये ट्रायंगल अगर देखोगे तो ऐसा बनेगा ना ट्रायंगल आपका, ये क्या बन रहा था एस वन, और इसे क्या करना है हम लोग इसे एस वन एस टू करना चाहिए, एस वन एस टू और कौन सा ए हो जाएगा है ना, ये 90 डिग्री का है, और इसके सामने की ये वाला एस टू जो आपका जो था एस वन एस टू से ठीक है, ये वाला जो आपका है वो थीटा है, तो समरूपता सिद्धांत लग जाएगा आपका, यानी कि अगर मैं देखूं एस टू यानी कि इससे अगर निकाला जाएगा हम लोग का निकालें तो यहां से मिलेगा आपको एस वन एस टू ए अपॉन एस वन एस टू, यानी कि एस टू ए अपॉन एस वन एस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इस वाले ट्रायंगल की बात करें किस वाले ट्रायंगल की, यहां से पी क्यू ओ से, तो पी क्यू में बताइए क्या आएगा परपेंडिकुलर पहले कौन सा बनेगा यही बनेगा, तो क्या हो जाएगा बोलो पी क्यू और बटा में कितना आ जाएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा आपका क्यू ओ हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्यू ओ से, अगर क्यू ओ निकल गया आपका तो आप ध्यान देंगे इसमें एस वन एस टू या एस टू ए अपॉन एस वन एस टू इक्वल टू पी क्यू का मान आपको पता है कितना बोलो यक्स और बटा क्यू ओ का मान कितना है आपका दे दिया गया है कैप्टन डी, यानी एस टू ए बराबर किसके हो जाएगा बोलो एक्स बाई डी इंटू एस वन एस टू के, तो आप देखिए एस टू ए बराबर कितना आ जाएगा बोलो एक्स बाई डी बराबर किसके एक्स बाई डी तो वही रहेगा और एस वन एस टू बराबर किसके है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी यानी एस टू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स डी अपॉन कितना हो जाएगा कैप्टन डी, क्या समझ में आ गई बात की नहीं, यानी एस टू ए का मान जो आने वाला है एस टू ए यहाँ से यहाँ तक का ये आपको कितना देगा बोलो एस टू ए इक्वल टू जाएगा कितना एक्स डी अपॉन कितना हो जाएगा कैप्टन डी, और दूसरा कंडीशन इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग कि सबसे आसान सा इतना नोट कर लीजिए फिर आगे मैं बात करता हूँ फ्रिंजेस की बात करता हूँ स्मॉल डी क्या है आपका सोर्स के बीच का डिस्टेंस दिया गया है और यहाँ से कैपिटल डी क्या है आपका सोर्स से लेकर के जो पर्दा लगाया गया होगा उसके बीच का डिस्टेंस दिया गया है, अब निकालते हैं एस टू ए, एस टू ए देखिएगा एस वन जो आपका दिया गया है और पी और यहाँ से दिया गया आपका एस टू और
पी, यानी कि अगर मुझे एस टू ए निकालना है, यानी इसके पथ में कितना अंतर आ रहा है ये निकालना है, तो इसमें पथ के अंतर में कितना आएगा बताइए, एस टू पी और माइनस कितना डिस्टेंस हुआ था अगर किया पहले, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस एस वन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका बोलिए, एस टू ए आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा एस टू ए पी, इसका मतलब क्या था कि एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू किसकी हो जाएगा बताइएगा, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, जहां एस टू पी माइनस एस वन पी क्या है आपका पथांतर दिया गया, और पथांतर के लिए क्या होता है कि जब मान लिया जाए डार्क फ्रिंजेस है आपका या ब्राइट फ्रिंजेस है उसके लिए अलग अलग होगा, अगर मान लिया जाए आपका ब्राइट फ्रिंज हो रहा है ना, अगर ब्राइट हो रहा है ब्राइट के लिए क्या लगाते हैं पथांतर एस टू पी माइनस एस वन पी बराबर किसके होता है, ये जो आता है आपका कितना आता है, एक तो होता है आपका जीरो, या तो लैम्डा आप लेते हैं फिर क्या लेते हैं टू लैम्डा, या कितना लेते हैं थ्री लैम्डा डॉट डॉट जो भी होगा, या इसके लिए हम क्या लेते हैं एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू किसके यम लैम्डा, जहां यम बराबर कितना था जीरो कॉमा एक कॉमा दो कॉमा तीन डॉट डॉट है ना, तो यहां से आपको मिलने वाला होगा कितना बताइए एम लैम्डा इक्वल टू एक्स डी बाई किसके हो जाएगा कैपिटल डी के, ये किसके लिए था ब्राइट के लिए था, इसी प्रकार अगर मैं डार्क की बात करता तो डार्क के लिए आपको बताया गया है डार्क फ्रिंजेस के लिए पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस देखते हैं इसका, फ्रिंजेस की बात करते हैं तो क्या होता है कि आपको बताया गया ये पथांतर है एस टू पी माइनस एस वन पी, ठीक है, इक्वल टू कितना होना चाहिए लैम्डा बाई टू है ना, और कितना होना चाहिए कितना होना चाहिए आपका थ्री लैम्डा बाई टू होना चाहिए फाइव लैम्डा बाई टू होना चाहिए डॉट डॉट होना चाहिए है ना, इस टाइप से तो आप बताइए यहां से अगर देखें तो हम लोग निकालते हैं कैसे निकालते हैं कि यम माइनस वन इन टू लैम्डा बाई यम बाई टू कर लेंगे, यम माइनस वन बाई टू इन टू कितना हो जाएगा लैम्डा, तो यहां से डार्क फ्रिंजेस की जो आएगी पथांतर यानी एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यम माइनस वन बाई टू और कितना हो जाएगा लैम्डा, यानी कि यम माइनस वन बाई टू लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स डी और वाई कितना हो जाएगा कैपिटल डी, जहां यम बराबर कितना बोलिए जीरो कॉमा एक कॉमा दो कॉमा तीन चार पांच डॉट डॉट, समझ में आने बात की नहीं है, यहां से आप देखिए अगर जीरो रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो जीरो रख लेते हैं आप लोग तो आपको तुरंत मिल जाएगा जो भी आएगा, इसके बाद में अगर एक रखते हैं तो आपका दो रखें तो तीन रखेंगे तो कितना आएगा वो इसे पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा नोट कर लीजिए आप लोग इसे। फ्रिंज बी फ्रिंज की चौड़ाई फ्रिंज की चौड़ाई ध्यान देना इसमें कैसे ये बनेगा, मान लो इस टाइप से मान लो फ्रिंजेस बन रही है हमारी, ये मान लिया जाए इतनी आपकी दी गई है ये जो सब है आपके ये सभी आपके कैसे हैं डार्क फ्रिंज है, ठीक है डार्क फ्रिंज है, हाँ क्या हुआ फ्रिंज मैंने कहा बार बार आपसे बताया मैंने कि फ्रिंज क्या होता है कि जब जहां पर ये क्या होती है कुछ बिंदु पर तीव्रता जहां पर लाइट हो जाती है
जहां पर जिस पॉइंट पर दिख रही होती उसी को नाम दिया गया था फ्रिंज। एक नाम है फ्रिंज, ठीक है, कोई स्पेशल अलग चीज नहीं है आपका, एक नाम है। जैसे तुम्हारा नाम श्रेया है तो तुम श्रेया ही रहोगी, है ना। उसी तरह से इनको नाम दे दिया गया कि जहां पर लाइट हो रही थी, कुछ बिंदुओं पर लाइट हो रही थी, कुछ बिंदुओं पर डार्क हो रही थी, ठीक है, उन्हीं को नाम दे दिया गया फ्रिंज, ठीक है। तो ये आपकी डार्क फ्रिंज है और ये जो आपकी है ये सब, ठीक है, इतनी जो दी गई है ये ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज। इन्हें के बीच की मुझे बतानी है कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कैसे निकालोगे इसे, फ्रिंज की चौड़ाई निकालना होगा। तो जैसे मान लो कि एपी आपने पढ़ा है, ये भी आप सिंपल सा पढ़ा आपने कि अगर मुझे डार्क का निकालना है तो आपको पता चलेगा कि या ब्राइट के लिए निकालना है तो ब्राइट के लिए क्या निकालते हो, ब्राइट फ्रिंज जो होती है वो होता है आपका कितना, एक्स इक्वल टू या एक्स लैम्डा, तो यम लैम्डा इक्वल टू कितना होता है आपका, बोलिए, ये होता है एक्स डी बाई कैपिटल डी, ये होता है आपका, ठीक है, एक्स डी बाई कितना आ गया, एम लैम्डा इक्वल टू होता है आपका एक्स डी बाई कैपिटल डी। अब जब ये बन जाता है आपको तो पता चलेगा केवल मुझे एक्स बताना पड़ेगा या एम बताना पड़ेगा या लैम्डा बताना पड़ेगा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, ये चौड़ाई क्यों बतानी है मुझे, तो क्यों मैं एक्स करूं, केवल एक्स बराबर कितना आएगा एम और कितना हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाई कितना हो जाएगा स्मॉल डी। ये किसके लिए हुआ, केवल ब्राइट फ्रिंज के लिए हुआ कि ब्राइट के लिए जो बी था एक्स इक्वल टू कितना आएगा एम लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के। इसी प्रकार मान लो जी किसके लिए है, पहले के लिए, एक के लिए, अगर एक के लिए निकालना है तो एक्स एम बराबर कितना हो जाएगा एम लैम्डा कैपिटल डी बाई कितना हो जाएगा स्मॉल डी के। इसी प्रकार मान लिया जाए एक्स एम प्लस वन के लिए कितना होगा, समझ में आई बात नहीं, जैसे पहली फ्रिंज है पहले के बाद दूसरी, दूसरी के लिए क्या लिखोगे, यम प्लस वन लिखोगे कि नहीं लिखोगे, समझ में आई बात कुछ नहीं है, ये यम है तो इसका मतलब कितना, यम प्लस वन इसका मतलब कितना, यम प्लस टू इसका मतलब यम प्लस कितना हो जाएगा थ्री, और यम प्लस कितना हो जाएगा, यम बराबर क्या है एक, एक दो और कितना तीन चार पांच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब मुझे चौड़ाई निकालनी है तो इसके बीच का चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से ये वाला घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, इसका मतलब ये था कि मुझे निकालना चाहिए था xm प्लस वन, xm प्लस वन, अगर मैं चौड़ाई बताऊं तो x बराबर कितना आएगा, xm माइनस कितना आएगा बोलो, xm प्लस वन माइनस xm, समझ में आया बात की, ये इसकी चौड़ाई मिल जाएगी। और चौड़ाई निकालना हो जाएगा तो बताइए क्या आएगा, xm का मान कितना आएगा बोलो, xm बराबर आएगा m लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो जाएगा और कितना है माइनस, यही आएगा नहीं प्लस वन के साथ में आएगा, देखो कैसे ये मिटा दो, ये जरूरत नहीं है जाने अभी मैं कर देता हूं। देखो यहां से आपको निकालना है, यानी कि मान लिया कि चौड़ाई कितनी है, माना चौड़ाई कितना है x है, तो x बराबर कितना है x से m प्लस कितना हो जाएगा वन माइनस x, जबकि xm बराबर कितना है आपको बोलिए, xm बराबर हो जाएगा m lambda capital d by small d, और xm plus 1 बराबर कितना हो जाएगा, हाँ m plus 1 और कितना हो जाएगा lambda capital d by small d। अब चौड़ाई मुझे बतानी है तो चौड़ाई निकालने का इससे मान रखूंगा, मैं रखूंगा देखिए कैसे, m plus 1 lambda capital d अपॉन स्मॉल डी माइनस कितना हो जाएगा एम लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इसे ओपन करो तो एक्स बराबर कितना आएगा बोलो, एम लैम्डा डी बाय कितना हो जाएगा स्मॉल डी और प्लस कितना आ जाएगा डी लैम्डा और बाय स्मॉल डी और कितना हो जाएगा माइनस एम लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो देखो ये वाला और ये वाला कट जाएंगे, कितना आएगा बोलो एक्स बराबर d lambda by small b, ये आ जाएगा आपका फ्रिंज b। यानी इसके इसके बीच के लिए डार्क के लिए अगर बात करें तो यहां से यहां तक का कितना आएगा बोलो d lambda by small d, ये इसकी वैल्यू होने वाली है। उसी प्रकार इसके लिए भी वही आएगा, समझ में आएगा नहीं, लेकिन ये हम माइनस वन वी फ्रिंज के लिए, वन बाई टू वी फ्रिंज के लिए निकालेंगे, समझ में आएगा।
hacer lo mismo. Angular Fins B. Angular Fins B. फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई हाँ फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई ध्यान दीजिए अभी आपने फिगर देखा एक बार फिगर में फिर से दिखाता हूँ आपको फिर समझ में आ जाएगा आपको ये सोर्स आपका रहा और इसके साइड में पैरेलल सीधा एक दूसरा सोर्स रखा गया था S1 और S2 और यहाँ से मान लिया जाए जो आपने देखा था कि कैपिटल डी डिस्टेंस पर एक पर्दा रखा गया था इस टाइप से है ना डी डिस्टेंस पर और यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की सूरज जहाँ पर ये फ्रिंजेस बना रही थी कुछ इस टाइप से थी और यहाँ पर आपको जो मिल रही थी इस वाले पर आपने एक ट्रायंगल फाइंड किया था और इस पर परपेंडिकुलर डाला था इसे माना था ए वाला पॉइंट इसे पी माना था इसे क्या माना था बताइए क्यू और इसे ओ माना था आपने है ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आपका था सोर्स का कैप स्मॉल डी है और ये वाला डिस्टेंस कितना था यस कोणीय चौड़ाई बताने का मतलब यही वाला बताना है कि ये आपका थीटा था तो ये भी कितना रहा आपका थीटा तो थीटा अगर निकालना है तो आप जानिए कि थीटा कैसे निकलता है तो थीटा बराबर आप कैसे निकालते हैं बताइए थीटा निकालना होता है तो आपको पता चलना चाहिए कि टैन थीटा निकल रहा स्लोप निकल रहा है तो स्लोप निकालने के थीटा बराबर क्या लिखते हैं या टैन थीटा निकालते हैं तो टैन थीटा निकालते हैं तो क्या मिलता है टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है ना अगर लंब बटा आधार तो टैन थीटा बराबर बताइए लंब यहां पर कितना है x है बोलिए x और आधार कितना है बोलो कैपिटल समझ में आई बात नहीं उसी प्रकार अगर मैं थीटा की केवल बात करता तो थीटा बराबर हो गया लिखता मैं x / d अगर m वी फ्रिंज के लिए निकालता तो बताओ थीटा जो m आता वो कितना हो जाता x m बटा कितना हो जाता d बनता कि नहीं बनता बोलिए xm बटे d d होता इसी प्रकार अगर आप देखें m plus 1 b के लिए m plus 1 के लिए क्या होता या था x m plus 1 और y कितना हो जाता कैपिटल d ये मिल जाता अब फ्रिंज चौड़ाई यानी कि मुझे निकालना है एंगुलर तो एंगुलर में आप थीटा की और बात करें थीटा बराबर कितना यह आ जाएगा आपका कितना थीटा m plus 1 माइनस कितना हो जाएगा थीटा m तो आपको मिलने वाला पूरा होगा यहां पर थीटा इक्वल टू कितना है आपका हाँ x से m plus 1 y कितना कैपिटल d और माइनस के साथ में कितना आता x से m बटा कितना हो जाता कैपिटल d के एक फॉर्मूला तो ये मिलता लेकिन x से m plus 1 कितना आया आप जानते हैं x से m plus 1 जो आपने निकाला था वो d बराबर इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते जल्दी से इसके बाद वैल्यू को रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे आ जाएगा ना नोट कर लीजिए फटाफट फिगर मत बनाइए उसी में सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका ध्यान दीजिएगा 2.0 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर छह नंबर यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से आदित्य और फ्रिंज पर पहुंचने वाली तरंगों में कितना कालांतर व कितना पथांतर होगा कितना कालांतर और कितना पथांतर होगा ये बताना है आपको कि कैसे निकालोगे इसे आप ठीक है यंग का प्रयोग जो दिया गया आपका यंग के प्रयोग से निकालना है आपको कि कितना इसमें देने वाला होगा आपका ठीक है दूसरी और तीसरी के लिए आपको बताना है कि दिया गया है ठीक है देखिए देखते हैं आपको दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम है ना 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है आपको तो पहली बात तो ये देखिएगा पथांतर निकालने के लिए क्या करते हैं पथांतर आपको बताया था मैंने पथांतर बराबर आपको क्या बताया गया था m लैम्डा किसके लिए
एम डालेंगे किसके लिए? दीप के लिए या प्रदीप के लिए? तो बताइए दूसरी के लिए अगर निकालना है या तीसरी के लिए? किसके लिए निकालना है? तीसरी के लिए निकालना है तो बताइए कितना? तीन गुणा में 6000 एंगस्ट्रॉम में, और ये कितना हो जाएगा? बोलो क्षेत्र 1800 आएगा क्या आपका? ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। क्या पूछा है आपका वहां? क्या पूछ रही हूँ? 18 आना एंगस्ट्रॉम, क्या है 15 दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, परेशान कर रहा हूँ। ठीक है, अब कह रहा आदित्य फ्रिंज के लिए निकालना है, आदित्य के लिए निकालना है, कह रहा आपका तीसरी दीप्त तथा तीसरी अदित्य, तीसरी अदित्य के लिए क्या निकालोगे बताओ? अदित्य के लिए पथांतर आपको बताया गया था कितना? अदित्य के लिए क्या होता था? m माइनस 1/4 किसके? लैम्डा के। तो बताइए कितना आएगा? 3 - 1/2 गुणा में 6000, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 6 - 5/2। अरे यहाँ देखो 3 - 6 - 1/5/2 गुणे 6000, 6000 जब कटेगा तो कितना आएगा? 3000, यानी 5 गुणा में कितना आएगा बोलो? 3000, तो 5 क्या है? 15000 कितना आएगा बोलो? यानी स्ट्रांग समझ में आ गई बात कि नहीं? हाँ पाई निकलेगा, हाँ 2πm से बताया। दीप के लिए क्या बताया था? दीप के लिए आपको बताया गया था 2πm, और अधिक के लिए क्या बताया गया था? 2πm पक्का कि m माइनस 1/2π कितना हुआ था? m माइनस 1 क्या लगाया? बोलिए पूछा है आपसे, ये पूछा है कलांतर बताना है, तो कलांतर कितना होना था दीप के लिए? हाँ 2m - 1 × π। ठीक है हो जाएगा ना। अगला देखिए बोलिए कौन सा, क्या सातवां सबका आया था? सातवां में बता देता हूँ, देख लीजिए तो एक तो बता देता हूँ फिर आप बताइए आराम से। ठीक है सातवां देखिए, कह रहा 2.0 मिलीमीटर की दूरी पर इसके दो पतली समांतर प्लेटों या स्लेटों दिया है, स्लेटों पर 6000 एंगस्ट्रॉम दैर्ध्य का एक वर्णिक प्रकाश आपतित होता है ना। इसके बाद कह रहा है कि स्लेटों से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे पर फ्रिंजों को देखा जाता है, फ्रिंज की चौड़ाई को फिगर से देखिएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 7 नंबर है, मान लिया जाए एक प्रकाशिक स्रोत ऐसे है आपका है ना S1, ये था S, और इसी के सामने जस्ट ऐसे देखिएगा S1 और S2 दो रखे गए हैं ना, और यहीं से कुछ डिस्टेंस पर एक पर्दा रखा गया है ऐसे। ये मान लो कितना कैपिटल D है, कैपिटल कितना है D, और इसके बीच का डिस्टेंस ये मान लो स्मॉल D था, और ये मान लो यहां से पर्दे पर फ्रिंजें प्राप्त जो की जा रही थी वो कितनी है बोलिए? ये एक्स है, कितना x आपका दिया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर यहां और यहां, ये कितना है 2 मिलीमीटर, यानी कि d बराबर आपको दे रखा है कितना 2m। उसके बाद कैपिटल d बराबर आपको दे रखा है, कह रहा है आपसे कैपिटल d बराबर दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर। तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान दिया है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम, कितना 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो कह रहा है बताइए चौड़ाई, बताइए फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? तो फ्रिंज की चौड़ाई आपको मैंने बताया कि W, फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर किसके होता है बोलो? लेकिन आपको पता नहीं कौन सा फ्रिंज है, इसका मतलब मैं x वाले से निकालूं x बराबर क्या होता है? या आपने पढ़ा था ना यंग लैम्डा इक्वल टू कितना, कितना होता बोलो x d y के कैपिटल d के, यहां से निकाली देखिए ध्यान दीजिए सभी, इधर ध्यान दो, एक के लिए निकालना है तो यंग बराबर मान लो कितना 1, तो लैम्डा बराबर कितना है बोलो x d y कितना कैपिटल d, या x बराबर कितना है लैम्डा d y कैसे आएगा स्मॉल d, मान रखो इसमें फटाफट
मान कैसे रखोगे बोलो, क्योंकि यहां से आपको एमएम में दिया है तो सेंटीमीटर में चेंज करोगे, दो एमएम में कितना सेंटीमीटर, एमएम में आ रहा तो आप इसे एमएम में चेंज कर लो, पहले मीटर है ना, समझ में आई बात नहीं, आप इसे मीटर में चेंज करोगे, 6000 की दिशा में कितने मीटर बोलो, 6 × 10 लगाते प्लस 3 और गुणे 10 लगाते माइनस 10 करो, है ना, ये किसमें आएगा, मीटर यानी कितना आ जाएगा बोलो, लैम्डा बराबर 6 × 10 लगाते माइनस 7 मीटर आएगा, इसे मीटर में कन्वर्ट करो कितना आएगा बोलो, 0.3 मीटर आएगा, और इसे मीटर में कन्वर्ट करो कितना आएगा बोलो, 0.002 कितना आएगा, अरे 0.2 सेंटीमीटर, और 0.2 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 0.002 ये हो जाएगा मीटर, समझ में आ गई बात, रखिए मान इस पे कितना आएगा बोलिए, x बराबर लैम्डा का मान कितना, 6 × 10 लगाते हैं माइनस 7 और गुणा कैपिटल डी का मान कितना है 0.3 है ना, और y में कितना हो जाएगा आपको बोलिए, स्मॉल डी का मान 2 × 10 लगाते हैं माइनस 3 करो क्या, तो ये x बराबर आने वाला होगा, ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा 9 × 10 लगाते हैं माइनस 8 आएगा, माइनस 8 और गुणा 10 लगाते हैं प्लस 3, तो x बराबर कितना आएगा, 9 गुणा में कितना आएगा 10 लगाते हैं माइनस 7 आएगा, और माइनस 7 आप आराम से लिख सकते हो एमएम में, कैसे आया ये किसमें आया, मीटर में, अब इसे चेंज कर लेना आप लोग, ठीक, कौन सा वही रहेगा, बट जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है।